बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, क्योंकि वाकई ही खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली, इत्मीनान और तशर्फी बख्शता है। सबसे पहले ये कि खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम हमें ये उम्मीद देता है कि हमारे जो बहन भाई हमसे दूर हो गए हैं, जो हमसे खो गए हैं, वो हमें एक रोज ऐसा होगा कि रोजे कयामत हम उनके साथ जरूर मिलेंगे। आमीन। दो गीतें भी भाइयों उस वक्त जहाँ भी हैं वो आगे आ जाएं। सबको सलाम। मैं चाहूँगा कि मैं खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया गया है कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल करूँ और खुदावंद के लिए प्रस्तुत कर सकूँ। सो मैं गीत गाऊँगा
कि वो इनको आकर मेडल बनाए। बच्चों ने प्रोग्राम किया और सारे बच्चों ने मैं शुक्रिया अदा करना और आए हुए तमाम साधना का इन्होंने होर अगे वधन की तौफीक बख्शे। आमीन। संभव की गल कर आए यहाँ पर, मैं भाई स्नान से दरखास्त करूँगा कि वो आए और कुछ कहें यहाँ पर आप सबसे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि इतना अच्छा प्रोग्राम हो सकेगा। ये फर्स्ट टाइम था, बच्चों की मेहनत थी, बस बिलीव नहीं हो रहा मुझे इतना अच्छा। एंड का जो सीन था बस मैं नहीं बोल पा रहा, बाकी ये के टीचर थे, मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ये टीचर बनके इनके साथ काम करने का। नेक्स्ट टाइम बुलाने चाहें इससे अच्छा करेंगे और बड़ा करेंगे। बाकी मैं सब टीचरों को बुलाना चाहूंगा, वो बच्चे कुछ हार वर्क पहनाएंगे, सारे टीचर आ जाए। शुक्रगुजार है कि उसने हमें मौका दिया कि हम खुदा के हुजूर हो सकते हैं। आज का जो सब स्कूल के टीचर्स ने और बच्चों ने प्रोग्राम किया है ये काबिले तारीफ और काबिले ताइश है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, खुदा बच्चों को और बच्चों के वालदैन को और खास तौर पे सब स्कूल के टीचर्स को खुदा बरकत दे। और इसी तरह से बच्चे जो सुधर जाते हैं तो फिर वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह से आपने बच्चों का बचपन भी यहाँ पर देखा, जवानी भी देखी। और अगर बच्चे वालदा भी फौत हो गई, माँ बाप भी फौत हो गया पहले ही, क्योंकि बच्चों ने उन्हें बहुत दुख दिया था कि बच्चों को तरबियत दी जाए ताकि वो बड़े होकर किस तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, बाइबल को किस तरह से सीख सकते हैं और खुदावंद के साथ साथ किस तरह से चल तक सकते हैं। बच्चों ने त्यागा, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मैं टीचर्स को बच्चों ने बहुत मेहनत की है,
सरदार को जो है वो सरंजाम दिया और लोगों से मनवाया कि वाकई हम उसी गीत गाया, खुदा उनको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और मैं अब दरख्वास्त करूंगा पास्टर रफीक शामिल साहब से कि वो आखिरी दुआ में। हमारे आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, आज शाम खुदावंत ने हमें मौका दिया कि हम खुदावंत तेरे हजूर आए। तमाम बच्चे